हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट टू। ईवीएस करने जा रहे हैं पार्ट टू, या हिस्ट्री कह लीजिए। तो आज हम देखेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो आप यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लेसन का नाम है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। शिवाजी के पहले महाराष्ट्र किस तरीके से था, कौन इस पर रूल करता था, कौन शासन करता था, किस तरीके से सिचुएशन कंडीशन थी उस टाइम की, वो देखते हैं। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। शिवाजी महाराज बहुत ही ग्रेट मैन थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद ग्रेट पॉम्प एंड रिवरेंस। तो हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी, मतलब उनका जन्मदिन हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ग्रेट पॉम्प, विद ग्रेट पॉम्प, मतलब बड़े धूमधाम्स और रिवरेंस, बड़े रिस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी। इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर योर चिल्ड्रेन। तो ये सब, ये जो दिन है आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी वाला दिन है, हैप्पी वाला दिन है। यू सिंग सॉन्ग्स एंड पौड़ाज इन हीज ऑनर। तो यहाँ पे आप उनके लिए, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में आप क्या गाते हो, गाना गाते हो, पौड़ाज गाते हो। यू गार्लैंड हीज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय। गार्लैंड मीन्स फूलों की हार चढ़ाना। तो यहाँ पे उनके पिक्चर पे, उनकी फ़ोटोज़ पे आप क्या करते हो, फूलों की हार चढ़ाते हो और बोलते हो शिवाजी महाराज की जय। हु वॉज दिस शिवाजी महाराज। तो ये शिवाजी महाराज कौन थे, वॉट वॉज द ग्रेट वर्क ही डीड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर। तो उन्होंने ऐसा कौन सा ग्रेट वर्क किया था, कौन सा महान काम किया था जो हम हर साल, एवरी ईयर हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इतने सम्मान के साथ। तो देखते हैं, द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड वॉज दैट ऑफ द मिडिवल पीरियड। तो जिस टाइम में शिवाजी महाराज रहते थे उस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, मिडिवल पीरियड, मतलब उस टाइम को मिडिवल पीरियड कहते हैं। इन दोज डेज़ मोनार्की ऑफ द रूल ऑफ किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर। तो उस टाइम जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और उसके पहले, शिवाजी महाराज के पहले मोनार्की मतलब राजा रानी का शासन होता था, मतलब अभी कैसे गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, तभी कैसे राजा रानी होते थे, उनका रूल होता था, उनका शासन चलता था। किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर, प्रिवेल्ड मीन्स कि फेमस थे, वहाँ पे मोनार्की मतलब राजा रानी का ही शासन चलता था। मेनी ऑफ द किंग्स परस्यूड देयर ओन प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट्स इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे परस्यूड मीन्स क्या, इंटरेस्टेड थे, उनको क्या, किस चीज़ में उनको मज़ा आता था। मेनी ऑफ द किंग्स, जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा राजा, जितने भी राजा थे उनमें से बहुत सारे राजा ऐसे थे जो अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए वो काम करते थे। राजा रानी सिर्फ अपनी खुशी के लिए थे, मतलब पूरा एकदम मस्त खाना पीना मौज उड़ाना, बस वो काम था। इंस्टीट्यूट ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट, लेकिन जो सब्जेक्ट यहाँ पे, जो उनकी प्रजा थी, जो कॉमन पीपल थे महाराष्ट्र के, उनके बारे में वो कुछ नहीं सोचते थे, उनके वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स वॉट, वेलफेयर मीन्स कि डूइंग समथिंग गुड फॉर देयर सब्जेक्ट, मतलब उनकी प्रजा के लिए कुछ अच्छा करना, वेलफेयर मीन्स कल्याण वाले काम करने, उनके कुछ हित के लिए काम करना, वो ये नहीं करते थे। वो सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए राजा बने थे, लोगों पर रूल करते थे, बट अपने प्रजा पर ध्यान नहीं देते थे। But even in those days, there were some kings who looked after the welfare of their subjects. But उन्हीं दिनों में कुछ ऐसे भी राजा थे, some kings were there who looked after, जो बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करते थे, कल्याण, उनके हित के लिए काम करते थे, अपने सब्जेक्ट मतलब अपने प्रजा के वेलफेयर, उनके कल्याण, उनके हित के लिए काम करते थे, उनकी अच्छाई के लिए उनकी पूरी तरीके से लुकड आफ्टर मीन्स देखभाल करते थे। द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ, मतलब जो नॉर्थ का, जो दिल्ली से लेके पूरा उधर आगरा और पूरा मथुरा साइड, जिसका जो मतलब कौन था, किस नॉर्थ साइड में किसका था शासन उस टाइम में, अकबर का, और इम्परर कृष्णदेव देवार्या ऑफ विजयनगर इन द साउथ आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बिनेवलेंट रूल। तो मतलब अकबर कहाँ का था, नॉर्थ साइड का, और कृष्णदेवार्या कहाँ के थे, विजयनगर के साउथ में। तो ये दोनों बहुत ही फेमस थे अपने बिनेवलेंट रूल के लिए। बिनेवलेंट मीन्स काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छा रूल कर रहे थे, बहुत ही अच्छे थे वो लोग, बहुत ही कह सकते हैं लुक्ड आफ्टर, बहुत अच्छे तरीके से करते थे, जनता की भलाई के लिए काम करते थे। लाइक वाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टूडे। इसी तरीके से शिवाजी महाराज को भी आज बहुत ही रिस्पेक्ट से, ग्रेट रिस्पेक्ट से आज उन्हें याद किया जाता है। हम उन्हें इन्हीं की तरह, उन्हें भी हम एक महान राजा मानते हैं आज, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया अपनी प्रजा के लिए। शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश्ड स्वराज, शिवाजी महाराज ने सबसे बड़ा काम क्या किया, उन्होंने स्वराज की स्थापना की। इस्टेब्लिश्ड मीन्स स्थापना किया, किसका, स्वराज मतलब अपना राज, अपने देश में अपना राज,
इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में उन्होंने स्वराज की स्थापना की। स्वराज मीन्स क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट और ओन रूल, ये आपको याद रखना है। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट और ओन रूल, अपना शासन अपनी गवर्नमेंट। फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। तो जब शिवाजी महाराज थे उनके, हम कह सकते हैं कि 400 साल पहले से, शिवाजी महाराज के 400 साल पहले से ही महाराष्ट्र फ्री नहीं था। यहाँ पे जो कह सकते हैं फॉरेनर, जो मुग़ल आ गए, अलग अलग लोग आके यहाँ पे कब्जा जमा लिया, ओके, यहाँ पे उनका शासन चलता था, महाराष्ट्र के लोगों का नहीं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट वॉज अंडर द रूल ऑफ द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र का लार्ज पोर्शन कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग था, पार्ट था महाराष्ट्र का, उस पर सिर्फ दो लोग रूल करते थे। पहला तो निज़ाम शाह जो अहमदनगर का था, और आदिल शाह बीजापुर का। ये दोनों को आपको याद रखना है, ये आपको आगे तक इसका पूरा लेसन में ये आपको दिखते रहेंगे। सो ये दोनों कहाँ के थे? एक था जो आदिल शाह था वो बीजापुर का था, और निज़ाम शाह था वो अहमदनगर का था, आपको याद रखना है। दीज टू सुल्तान्स हैड डिवाइडेड महाराष्ट्र अमंग देमसेल्स। तो इन दोनों ने क्या किया, महाराष्ट्र का जो एक लार्ज पोर्शन था, बड़ा भाग था, उसे इन दोनों ने डिवाइड कर लिया आपस में। दे वर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक, वो बिल्कुल भी आउट मतलब कि लिबरल नहीं थे, काइंड हार्टेड नहीं थे, अच्छे पर्सन नहीं थे कह सकते हैं। दे ऑप्रेस द पीपल ओवर होम दे रूल्ड। तो यहाँ पे वो बहुत ही अत्याचार करते थे, किस पे? उन लोगों पे जिसके, जो उनके अंडर में आते थे, मतलब कि जैसे कि ये अहमदनगर का है अगर निज़ाम शाह, तो अहमदनगर के लोगों पे बहुत अत्याचार करता था, ओके। और आदिल शाह कहाँ का था? बीजापुर का। तो बीजापुर के लोगों पे बहुत अत्याचार करता था, मतलब उनकी देखभाल नहीं करता था, उनके बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, उनके लिए कुछ भी काम नहीं करता था। दे वर ऑल्सो सोन एनिमीज ऑफ ईच अदर। तो ये जो दोनों आदिल शाह और निज़ाम शाह ना, ये दोनों भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, ये दोनों की दोनों भी दुश्मन थे। दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट दैट, ये दोनों क्या करते थे, हमेशा कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा लड़ते ही रहते थे, युद्ध करते रहते थे, और इसका रिजल्ट में क्या आता था, इसका आउटपुट क्या आता था, बहुत ही बुरा आता था। देखते हैं, द पीपल सफर्ड एंड वर हरेस्ट। तो यहाँ पे लोग बहुत ही मुसीबत में अपने दिन काटते थे, सफ़र करते थे, मुश्किलों में रहते थे, और हरेस किए जाते थे, मतलब कि उनके लोग, उसके एरिया के, जैसे कि निज़ाम शाह के एरिया के लोगों को ये परेशान करता था, जैसे ये लोग युद्ध करते रहते थे, तो क्या इन लोग भी तो बहुत परेशान होते थे युद्ध में, तो कितना नुकसान होता है सबका। तो यहाँ पे द पीपल कुड नॉट गेट इट इनफ टू ईट, तो यहाँ पे वो लोग खाने के लिए उनको अच्छे से नहीं मिलता था, इनफ फीट उन्हें नहीं मिलता था, खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा कट्टर थे, इतने ज़्यादा हरेस करते थे इन लोगों को, इतना मतलब कि इतना कह सकते हैं कि दबा के रखा था कि इन लोगों को अपने फेस्टिवल्स, अपने त्यौहार भी सेलिब्रेट नहीं करने देते थे। और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली, मतलब कि जो लोग थे, अब ये निज़ाम शाह और ये आदिल शाह, ये दोनों क्या करते थे, अपने जो उनके जो एरिया में जो लोग रहते थे, जहाँ पे उनकी राजधानी थी, वहाँ के लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देते थे, उनके फेस्टिवल नहीं मनाने देते थे, ओके, वो लोग स्वतंत्र बिल्कुल नहीं थे। दे वर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स, यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थे। दे वर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी, यहाँ तक कि वो, उनको हमेशा डर लगा रहता था अपने घर में भी कि कहीं कोई मुझे मार ना डाले, कहीं कुछ लूटपाट ना हो जाए। देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर, तो ये सारी चीज़ देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे सब जगह अत्याचार ही अत्याचार है, अन्याय ही अन्याय है, कहीं पे भी कुछ न्याय की, न्याय का नामो निशान नहीं है। इन महाराष्ट्र देयर वेयर मेनी वतनदार्स लाइक देशमुख एंड देश पांडेस हु ओन जागीर्स। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या, बहुत सारे वतनदार्स भी थे, वतनदार्स मीन्स की सरदार थे, जागीर कह सकते हैं, जमींदार थे, इस टाइप के लोग थे। और यहाँ पे कौन कौन थे, दो मेन, देशमुख और देश पांडे, ये एंड हु ओन, इनका खुद का जागीर होता था, जागीर इनके पास होता था। कैसे कि ये दोनों, जैसे कि कुछ बहुत सारे उस टाइम पे सरदार भी थे, कुछ लोग आदिल शाह के अंडर में काम करते थे, कुछ लोग निज़ाम शाह के। तो ये लोग क्या करते थे, जो आदिल शाह है, जैसे कि आदिल शाह और निज़ाम शाह देखा कि ये बहुत ही, सपोज़ कि इसको देखा कि देश पांडे को कि बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसको जागीर दे दिया कहीं का, कुछ जागीर मीन्स क्या होता है कि प्रॉपर्टी दे दिया कहीं की, ठीक है, प्रॉपर्टी कहीं की दे दी कि आप वहाँ का देखभाल करो, आप वहाँ के इंचार्ज बन जाओ, आप वहाँ पे रहो,
और वहाँ की देखभाल करो, वहाँ की वहाँ के वहाँ को अपने अंडर में रखो। मतलब कि रहता तो निज़ाम शाह, आदिल शाह के अंडर में, बट ये लोग क्या करते थे, बस उसे देखता उसको उसको देख रेख करते थे, देख रेख करते थे उस जगह की। तो इस तरीके से उनको जागीर दे देते थे और इनको अपने अंडर में काम पे रख लेते थे। जैसा आदिल शाह निज़ाम शाह बोलेंगे ऐसा ही इन दोनों को करना पड़ेगा। ओके, तो इन दोनों को क्या, ये लोग अपनी सिर्फ जागीर से प्यार करते थे। अपनी जो इन्हें मिली थी जागीर, बस उससे ही इनको लगाव था। और दे लव ओनली देयर जागीर से, नॉट देयर कंट्री। अपनी कंट्री से, अपने महाराष्ट्र से, अपने महाराष्ट्र के लोगों से इन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं था। सिर्फ अपना अपना का अपना अपना देखते थे, अपना अपना भलाई देखते थे सब लोग। द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमंग देम ब्रॉट ग्रेट मिजरी टू द पीपल। तो कॉन्स्टेंट जो फाइटिंग होती थी इन दोनों के बीच में, इनके भी बीच में होती थी, क्योंकि एक उस साइड का होता था, एक दूसरी पार्टी का, दूसरा दूसरी पार्टी का होता था। तो ये इन दोनों में भी आपस में लड़ाई होती थी। ये दोनों भी कट्टर दुश्मन बन गए, क्योंकि ये दोनों जो आदिल शाह निज़ाम शाह हैं वो भी तो दूसरे कट्टर दुश्मन हैं, और ये दोनों एक दूसरे की टीम के हैं, तो ये दोनों भी दुश्मन बन गए। ओके ओके, तो इससे क्या होता था, लोगों को बहुत मुसीबत होती थी। जो वहाँ पे कॉमन पीपल थे, जो पब्लिक थी, उनको बहुत दुख उठाने पड़ते थे इस झगड़े झंझट की वजह से। देयर वॉज मिस रूल एवरीवेयर। हर जगह पे क्या था, मिस रूल था। कोई रूल रेगुलेशंस, लॉ, कानून कुछ भी नहीं था। कोई भी मनमानी करके चला जाता था। पीपल वर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वर वेरी अनहैप्पी, वेरी सैड पीपल। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि लोग बहुत थक गए थे इस ऑपरेशन में सत्याचार से, इस उत्पीड़न से, इस जो इन पे अत्याचार अन्याय हो रहा था इससे। वो ऑपरेशन में सत्याचार, जो उनकी प्रताड़ना होती है, उससे वो बहुत ही अनहैप्पी थे, बहुत ही सैड थे। शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस। जब शिवाजी महाराज ने ये सब देखा, ही अंडर टुक द नोबल टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज इन महाराष्ट्र विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्वराज महाराष्ट्र में स्वराज इस्टेब्लिश करने का सोचा, और ताकि लोगों में हैप्पीनेस आए, खुशी आए। तो ये उन्होंने काम किया कि उन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, स्वराज की स्थापना की। ही फर्स्ट ब्रॉट टू बुक द वतनदार्स हु फॉट अमंग देम सेल्स। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने पहले वतनदार्स को यहाँ पे कह सकते हैं कि वतनदार्स, और जो अलग अलग वतनदार्स थे, देश पांडे, देशमुख और बहुत सारे ऐसे थे, तो उन लोगों को उन्होंने क्या किया, पहले सबको एक साथ लाया। ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल थे, वो लोग बहुत ब्रेव भी थे, बहुत बहादुर थे वो लोग। ठीक है, इसलिए उनको साथ में ला के इन्होंने सोचा कि मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पर स्वराज की स्थापना करूँगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्लान किया किस तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे स्वराज को। ही फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट ऑप्रेस द पीपल। यहाँ पे वो क्या करें कि जो लोगों को हैरेस करते थे, अत्याचार करते थे उन पे, वो उनसे उन उन पावर से, उन शक्तियों से लड़ने का सोचा उन्होंने, और उन्होंने हराया। ही इस्टेब्लिश्ड हिंदवी। यहाँ पे उन्होंने हिंदवी की स्थापना की। पहले वो लड़े सब सरदारों को मिला के, फिर उन लोगों के खिलाफ़ लड़े, और फिर उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। और ये किस पे बेस्ड थी, ये जो हिंदवी स्वराज था ये किस पे बेस्ड था, तो जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रीजन्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये न्याय पे, पूरा न्याय पे आधारित था इनका ये हिंदवी स्वराज। और यहाँ पे सबकी अच्छाई के लिए ये काम करते थे। और जो भी कास्ट, अलग अलग जातियाँ हैं, और जो अलग अलग रिलीजन्स, जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम या कोई भी जाति हो, बड़े छोटे कुछ भी, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने ऐसा कुछ भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, पूरा इक्वल ट्रीटमेंट, सबको एक समान भाव से वो देखते थे, एक समान भाव से सबको ट्रीट करते थे। ओके, ये यही था हिंदवी स्वराज की जो भी इसका प्लान था, यही था, और यही चाहते थे वो कि महाराष्ट्र में इस तरीके का हिंदवी स्वराज हो। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेदभाव नहीं किया, जबकि हमने देखा आदिल शाह बीजापुर, यहाँ तक कि जो हिंदूज लोग थे, हिंदूज पीपल थे, उनको पूजा पाठ नहीं करने देते, उनके फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करने देते थे। तो इस टाइप के थे अकबर। हालांकि अकबर भी था मुगल ही, लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो काफ़ी अच्छा था। तो ही ऑनर द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो यहाँ पे जो शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने हर जो भी धर्म के सेंट हो, चाहे वो संत साधु हो या फकीर हो, जो भी धर्म के संत थे, सबको वो ऑनर करते थे। मतलब कि सबको वो सम्मान देते थे, हर धर्म के संतों को वो सम्मान देते थे। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज नोबल डीड्स ऑफ महाराज। तो इससे क्या, हम इंस्पायर होते हैं, जो भी उन्होंने नोबल टास्क किए, जो भी उन्होंने नोबल अच्छे कार्य किए शिवाजी महाराज ने, उनसे हम इंस्पायर होते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है।
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज, मेनी सेंट्स वर बोर्न इन महाराष्ट्र। तो इसी पीरियड में, मिडिवल पीरियड में ही, लेकिन शिवाजी महाराज से पहले 300-400 साल पहले बहुत सारे संत हुए थे महाराष्ट्र में, और देयर वर्क हेल्प, और जो उन्होंने जो वो काम करके गए थे ना जो संत लोग, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वो जो काम किया ना उन लोगों ने, संतों ने, कि लोगों के मन में जो डाला कि डिस्क्रिमिनेशन मत रखो, सबको एक समान रखो, सबके बीच में प्यार, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा लाओ, हर जात धर्म के लोग एक दूसरे से छुआछूत मत करो, ऊंच नीच मत देखो, तो ये सारी चीज़ें जो संत करके गए थे ना, तो ये काम शिवाजी महाराज के जो स्वराज की स्थापना करने का जो एफर्ट था ना, इसमें इन्हें बहुत ही हेल्प किया, इनके जो कार्य थे जो संतों ने काम किया था, तो स्वराज की स्थापना में ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो इनका उनका जो एफर्ट था संतों का, ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ शिवाजी महाराज के लिए, जो कि स्वराज, हिंदवी स्वराज की स्थापना में बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट दीज सेंट्स डिड। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इन संतों ने क्या किया था, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो वर्क ऑफ सेंट्स वो सेकेंड चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।